नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिवाली पर अक्सर लोगों में ये डर होता है कि कहीं कोई तंत्र ना करा दे। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और जानेंगे परवरिश टिप्स, दिन के शुभ अशुभ समय को, जन्मदिन का हाल, दिन भर के लिए सावधानियां, उपाय और फिर अंत में वो विचार जो आपका दिन बना दे। और ये सब हमें कौन बताएगा? जी हाँ, गुरु जी। राम राम गुरु जी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, सुबह सुबह की राम राम। तो गुरु जी, आज का हमारा विषय बड़ा ही दिलचस्प है। दिवाली आने वाली है, सबके घरों में तैयारियां चल रही हैं, पूजा की हर तरह से लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, लेकिन एक अंदर ये भी डर होता है कि कोई तंत्र ना करा दे। ऐसा क्यों होता है? तंत्र को लेकर बहुत वहम है, बहुत डर है। खास तौर से जब दीपावली का समय आता है, होली का समय आता है, तो तंत्र की बात बहुत ज्यादा होने लगती है। जरा सोचिए, आप किसी रात सो रहे हैं, अचानक आपकी खिड़की में एक ऐसे भूत सा आता है, क्या करेंगे आप? अरे हंस दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जब मैं सोता हूं तो रात को मेरा कोई गला दबाता है। मैंने कहा, आत्मा कैसे किसी का गला दबा सकते है, क्योंकि आत्मा पे तो शरीर ही नहीं है, गला दबेगा कैसे? हाँ, ये बात तो है। मैंने उनसे कहा, हींग और मुनक्का खा के सो जाया करिए। मुनक्का खोलिए, उसमें थोड़ी सी हींग भरिए, उसे तवे पे सेकिए, खा लिया कीजिए और गुनगुना पानी पी लिया कीजिए, और शाम को 8 बजे के बाद भोजन मत किया कीजिए। उसके बाद भूत भाग गया। क्यों? वो गैस थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम नाहक डरते हैं, क्योंकि हमें बचपन से कहानियां सुनाकर बड़ा किया गया है। भारत का जो समाज है, इसमें साहित्य जन जन में है, वो पढ़ा हुआ नहीं भी है तब भी वह अनेक कहानियां जानता है, लेकिन कहीं कहीं ये कहानियां दिलो दिमाग पर इस तरीके से असर कर जाती हैं, धारावाहिक और फिल्में दिलो दिमाग पर इस तरीके से असर कर जाते हैं कि लगता है कि हमारे ऊपर किसी का साया है। मान लीजिए अब मैं ऐसे बोलने लग जाऊं तो आपको क्या लगेगा? पवन जी के अंदर एक भूत आ गया। ऐसा नहीं होता है, इसलिए तंत्र आदि से कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर परेशानियां होती क्यों हैं, ये जरूर जानना चाहिए, और परेशानियां तो होती हैं, उसका कारण क्या है? तो इस विषय पर आगे भी हम गुरुजी से लगातार बातचीत करेंगे, इसके उपाय जानेंगे, सावधानियां जानेंगे और उसके पीछे की हकीकत क्या है पूरी तरीके से, उस पर भी हमारी बातचीत होगी। बहुत ही रुचिकर विषय जो है वो आज चल रहा है, लेकिन सबसे पहले गुरुजी, प्रथम 4 राशियों का हाल। मेष राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, कुछ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, काम बनेंगे, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो जरा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए, प्रभु जी का नाम लीजिए, अपने काम पे जुट जाइए, अच्छा होगा। वृषभ राशि, आपका दिन आज के लिए अच्छा है, इसलिए आप खूब मेहनत कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आज आपके अंदर कुछ विशेष हिम्मत आएगी और किसी व्यक्ति विशेष से भी आपको मदद मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन वाहन में, किसी मित्र में या माँ के साथ संबंध में कहीं कोई दिक्कत भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। उपाय कर लें, आप ओम दम दुर्गाय नमः का जप करें, फिर काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, दुस्साहस भारी पड़ सकता है, इसीलिए आप कोई भी बड़ा कार्य बिना किसी विशेष सलाह के मत कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी महसूस होगी। बाकी कुल मिलाकर दिन ठीक है, ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन नए रिश्ते मत जोड़िएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम गंगणपताय नमः का जप कीजिए, उन्हें हरी सुपारी भेंट कीजिए और वो स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने काम पर जुटिए। कर्क राशि, क्रोध परेशान करेगा, इस दिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, वाणी को शांत रखना बहुत जरूरी है। हंसिए, हंसाइए, खिलखिलाइए, लोगों के साथ बैठिए जो हंसते हों, मजाक करते हों, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन धन खर्च मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल दीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक करेंगे। तो ये सावधानियां और उपाय आप जरूर करें, आपका दिन शुभ होगा। और अब बारी आज के परवरिश टिप्स की। गुरु जी, आज का परवरिश टिप्स क्या है हमारे पेरेंट्स के लिए? कुछ बच्चे बहुत कमजोरी महसूस करते हैं,
आज का जो खान पान है या जो लाइफ स्टाइल है, बहुत वीकनेस वो महसूस करते हैं, लेकिन जब वो घर पे कहते हैं तो घर के लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों की बात अभी करते हैं जिनको बहुत वीकनेस महसूस होती है। तो जो बच्चे बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, उन बच्चों को आप गेहूं का पानी पिला दिया कीजिए और गेहूं और मेथी मिलाकर खिला दिया कीजिए। रात में 2 गिलास जल लीजिए, एक में गेहूं, एक में मेथी भिगो दीजिए और अच्छे से धोकर भिगोइएगा। सुबह सुबह जल पी लें गेहूं का और उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच गेहूं और मेथी मिलाकर खिला दीजिए, उस जल से सटक लें, ताकत महसूस होने लगेगी। जी हाँ, और इस वीकनेस के कारण क्या है, सावधानियां क्या हैं, इनका आप जरूर ध्यान रखें ताकि बच्चों की हेल्थ शुरू से ही अच्छी बनी रहे, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो ब्रेन भी सही काम करेगा। और अब बात उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है। गुरुजी, हैप्पी बर्थडे आपके अंदाज में, और साल भर इनका हाल कैसा रहने वाला है? दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। तो जिनका भी आज जन्मदिन, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल सुनिए। ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपको कुछ विशेष दे सकते हैं, खास तौर से वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सफलता चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर इन 12 महीनों में मिल रहा है। इसलिए इसे हाथ से गवाइएगा नहीं, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर आपको बरतनी होंगी, और वो ये है कि आपको कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप आलस से महसूस करें, आलसी हो जाए, सीधी सी बात है, या फिर काम ही ना करना चाहे, काम से मन हट जाए, कोर्स बदलने की बात करने लगें, व्यापार बदलने की बात करने लगें। निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सफलता ज़रूर मिलनी है, काम पर जुटे रहिएगा। उपाय बता दे रहा हूँ, आपने रोज़ाना कुछ वक्त अपने बुज़ुर्गों के साथ बिताना है, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे रात। अगर दुर्भाग्य से घर में बुज़ुर्ग नहीं है तो पार्क में जाकर बैठ जाइए, कुछ बात बुज़ुर्गों से ज़रूर कीजिए। आपके ऑफिस में होंगे, आपके कोई टीचर होंगे, आपको कोई गुरु होंगे, तो कभी कभी उनके पास जाकर बैठिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, कुछ पूछिए, सीखिए, और देखिएगा तरक्की होगी। चांदी की एक चेन गले में पहन लीजिएगा और बृहस्पतिवार के दिन मसालों का दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा किसी बुज़ुर्ग को, बस सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। आज का हमारा विषय है दीपावली पर लोग आखिर तंत्र से क्यों डरते हैं। गुरुजी, क्या वाकई ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है या ये सिर्फ लोगों का वहम है? क्यों लोगों को इससे डर लगता है, और यदि लगता भी है तो उस वहम को कैसे निकालें? बस सोच लीजिए, निकलना है तो निकल आएंगे। और दूसरी चीज, तंत्र परेशान नहीं करता, तंत्र तो बहुत सात्विक है, स्वयं भगवान शिव का ज्ञान है, परेशान नकारात्मक ऊर्जाएं करती है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं गुरुजी, जिसका आपने जिक्र किया, तो इन नकारात्मक ऊर्जाओं से अब हम कैसे बचें? जी लिखिए, जिस भी घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हों दिवाली के बाद, वो लोग क्या करें, नमक का पोछा या गौमूत्र का पोछा लगाना शुरू कर दें। दूसरी चीज, अपने इष्ट की सुबह शाम दीपक जलाकर पूजा करें और वो दीपक आधे एक घंटा जले। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जिस व्यक्ति पे कॉन्फिडेंस होता है और अच्छी सोच होती है, उस पर तंत्र हावी नहीं होता, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन सोचिए, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही सोच के देखिए कि अचानक आप उस सपने में देखें एक लाश और उसके ऊपर एक बभूत लपेटे हुए, बड़े बड़े बाल रखे हुए कोई बैठा हुआ हो और उसमें से मांस निकाल के खा रहा हो, तो कुछ नहीं, उठना, हंसना और फिर सो जाना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी कुछ अजीब गरीब सोच है, विक्षिप्त लोगों को हमने अघोरी कह दिया, जबकि अघोर तो बड़े अच्छे होते हैं। कभी जाइएगा, मिलिएगा, मिलते कम है वो सामान्यता लोगों से, लेकिन वो तो बड़ी अच्छी सोच के हैं, क्योंकि अघोर का मतलब क्या है, जो घोर ना हो, यानी जो कठोर ना हो। बहुत सारी चीज़ों को अच्छा करने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले वहम छोड़िए, जो उपाय मैंने बताए ये कीजिए, पॉजिटिव सोच विद कॉन्फिडेंस, पूजा, प्रार्थना आपके यहाँ कभी भी नकारात्मकता को रहने नहीं देगी।
तो वाकई इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपको डरने की कम से कम जरूरत नहीं है। ये सरल से उपाय आप कर सकते हैं और सबसे अहम बात अच्छी सोच, पॉजिटिव एनर्जी, उसी से ही नेगेटिव एनर्जी को हराया जाता है। गुरु जी अब बात कर लेते हैं दिन के शुभ अशुभ समय की। तो लिखिए दिन का शुभ अशुभ समय, पहले अशुभ समय लिखिए। धूमूर्त रहेगा सुबह 6:38 से 7:21 तक, दूसरा धूमूर्त रहेगा 7:21 से लेकर 8:05 तक, गुलिक काल रहेगा 6:38 से लेकर सुबह 7:59 तक, यमगण काल रहेगा दोपहर में 1:24 से लेकर 2:47 तक, और राहु काल रहेगा सुबह 9:21 से लेकर 10:42 तक। शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:42 से लेकर 12:26 तक, और अमृत काल रहेगा शाम को 4:40 से लेकर 6:11 तक। तो शुभ अशुभ समय आपने जाना, आज के दिन का हर अहम काम आप इसको ध्यान में रखकर करें, सब कुछ शुभ होगा। गुरु जी अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की 4 राशियों का हाल, उनका दिन आज कैसा रहेगा। सिंह राशि, जिन लोगों को सर आंख गले की दिक्कत रहती है वो अपना ध्यान दें, इस दिन ठंड नहीं पकड़नी चाहिए, ध्यान रखिएगा नहीं तो कुछ दिन परेशान हो जाएंगे। बाकी एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ये दिन कुल मिला के भाग्य पक्ष को तो मजबूत कर रहा है, लेकिन एक कोई गलत डिसीजन दिलवा सकता है जिसकी वजह से आपको दुख हो। बाकी उपाय कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने इष्ट को सफ़ेद पुष्प भेंट कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, फिर काम पर चलिए और मन को इस दिन शांत रखिएगा, क्रोध मत कीजिएगा। कन्या राशि, आपके लिए समय पैसे वेस्ट कराने वाला है, इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल कीजिएगा और बहुत सोच समझ कर किसी को उधार दीजिएगा, कोई बड़ी खरीद फरोख्त अकेले मत कीजिएगा। सावधानी बरतिए, इस दिन दुश्मन बहुत अलर्ट है आपके खिलाफ, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर करने के लिए, आप पके हुए भोजन का दान किसी बुजुर्ग को कीजिएगा। तुला राशि, समय आपके लिए दोपहर तक अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, इसलिए अलर्ट रहें, एक सावधानी जरूर बरतें। आज आप अपने घर के लोगों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, आप इस दिन कुछ विशेष कार्य भी शुरू कर सकते हैं, लोगों की मदद भी मिलती दिखाई दे रही है, बस एक सावधानी बरतिएगा, आज अपने माता पिता के साथ अपने संबंध और उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, 5 फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा। वाकई ये उपाय और सावधानियां आप रखें, आपका दिन अच्छा जाएगा और कोई भी कष्ट जो है आने वाला वो पहले ही निपट जाएगा। गुरु जी कुछ और उपाय बताइए जो तंत्र से लोगों को डर लगता है और क्या घर में ही लोग कर सकते हैं जिससे ये नेगेटिव एनर्जीज दूर रहें हमेशा, खास तौर से दिवाली वाले दिन। जी, जहां भी नकारात्मक ऊर्जा हो, जहां लोग सो नहीं पाते हैं या जहां किसी व्यक्ति को बहुत डर लगता हो, जहां उसको ये लगता हो कि मेरी जिंदगी में अचानक कोई आकर सब कुछ बुरा कर जाता हो, या उसको हेलुसिनेशंस होते हो, जैसे रस्सी लटकी है लेकिन वो सांप समझ के डर रहे हैं, इस प्रकार के डर यदि किसी व्यक्ति के अंदर हो, वो ध्यान करना शुरू कर दे, ओम का जप करते हुए ध्यान करना शुरू कर दे, आप देखिएगा कुछ दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ आप एक तिलक बना लीजिए, सफ़ेद चंदन, हल्दी और केसर, इन तीनों को मिलाकर एक तिलक बनाइए और उसमें कपूर ज़रूर डालिएगा और अच्छे से अपने मस्तक पर रात को लगा लिया कीजिएगा, प्रभु नाम लेते हुए, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लेते हुए। अपने सरहाने रत्ती के या घुघची के दाने ज़रूर रखिए, 10-20 ग्राम 25 ग्राम दाने किसी रुमाल में पैक कर लीजिए और अपने सरहाने रख के सोया कीजिए, और अपने सरहाने जल अवश्य रखा करें, सोने से आधा घंटा पहले जल पी लिया करें, उसके बाद जल आप नहीं पिया करें, बस ये सारे उपाय करेंगे फिट रहेंगे। तो वाकई आपने भी ध्यान देकर सुना होगा कि अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दिवाली वाले दिन यदि आपको तंत्र से डर लगता है तो आप अपने घर में ही क्या क्या कर सकते हैं, मानसिक रूप से कैसे अपने आप को मजबूत रखें जिससे आपका ये वहम और डर दूर हो जाए। गुरु जी अब वक्त हो गया है अंतिम 4 राशियों का हाल जानने का, काफी इंतजार करते हैं हमारे दर्शक, तो आज उनका दिन कैसा रहेगा। धनु राशि, भाषा पर बस थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, गुस्सा बढ़ने से नुकसान होगा, बाकी दिन बहुत अच्छा है, भाग्य पक्ष ठीक है, लाभ होता दिखाई दे रहा है, एक सावधानी और बरत लीजिएगा, इस दिन पशु पक्षियों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बन करने के लिए, ओम केम केतुए नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करने के आपको
थोड़े धीरे थोड़े कम लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसलिए कोई चिंता ना करिएगा। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, इस दिन यदि घर में छोटे बच्चे हों तो उनका विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, उड़द की दाल का दान कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला ऐसा ले सकते हैं रिश्तों से मुतालिक जो आपको परेशान करते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी एक सावधानी और बरतनी होगी इस दिन आपको, अपने वाहन का, अपनी कीमती चीज़ों का, अपने घर के बच्चों का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप करना है, सूर्य को जल देना है, फिर काम पर जुटना है। मीन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, यद्यपि कहीं कोई काम अचानक रुक सकता है, किसी से मदद की कोई उम्मीद होगी या किसी से मेल मुलाकात की कोई उम्मीद होगी तो हो सकता है आपकी उम्मीद पूरी ना हो, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। बस एक सावधानी बरतें, इस दिन अपने पेट पीठ और पैर का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा और ओम नमो नारायण का जप करके फिर अपने काम पर जुटिएगा। तो राशियों के हाल के बाद अब वो विचार जो आपका और हमारा दिन बना दे। गुरु जी क्या है आज का विचार? आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक लाइन, बहुत सुंदर। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, आनंद तभी मिलता है जब आप आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते। आज मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा, खुद सोचिएगा कितनी गहरी बात गुरु जी इसमें छिपी हुई है कि आनंद की तलाश जब नहीं करते हैं तभी हमें वो आनंद मिलता है। यानी कर्म निरंतर करते रहें, फल की इच्छा ना करें, आनंद फल आपको जरूर प्राप्त होगा। वाह वाह, क्या बात की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने इतने अहम विषय पर हमारे दर्शकों की आज जिज्ञासा दूर की, उनसे बहुत अच्छी बातें आपने की। तो बोलिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। गुरुजी मैं आज के लिए बस इतना ही, कल सुबह 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।